हमारे किसान भाइयों, आपने इमामेक्टिन बेंजोएट दवा का नाम सुना होगा, जो कि बहुत सी अच्छी कंपनियां अलग अलग नाम से बनाती हैं। इसका प्रयोग हमारे अधिकतर किसान भाई कीटनाशक के लिए ही करते होंगे, मगर इसमें प्रयोग पूर्व हमें कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। जैसे कि धान की फसल में तनाछेदक व पत्ती लपेटक कीट का प्रकोप हो, तो इस दवा से केवल पत्ती लपेटक कीट का ही नियंत्रण हो पाता है। और अगर हम किसी फलीदार फसल में, जैसे कि सोयाबीन, अरहर, फ्रेंच बीन्स, सेम फली या और भी फली वाली फसलों में इमामेक्टिन बेंजोएट का प्रयोग करते हैं, तो ये दवा बहुत ही कारगर साबित हुई है। इसके अलावा हमारी कोई भी फलीदार फसल हो, उसमें इमामेक्टिन बेंजोएट का प्रयोग करना हो, तो साथ में 400 ml प्रति एकड़ किसी भी अच्छी कंपनी का परफेनोफॉस 50% EC को भी साथ में मिलाकर इस्तेमाल करने से बहुत जल्दी व लंबे समय तक कीटों में नियंत्रण पाया जा सकता है। और किसान भाइयों, इसमें यह ध्यान रखना आवश्यक होगा कि इमामेक्टिन बेंजोएट दवा कभी भी जड़ वाले कीटों के लिए, जैसे कि दीमक, गुजिया या अन्य प्रकार के कीट जो जड़ों में प्रकोप करते हैं, उनमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि जमीन के अंदर रहने वाले कीटों पर इसका प्रयोग करने से कोई भी रिजल्ट देखने को नहीं मिला है। और इसके अलावा कोई भी पत्तेदार सब्जियां, साग या और भी फसलें हों, उनमें लार्वा या सुंडी युक्त कोई भी कीट हो, उन पर तुरंत नियंत्रण पाने के लिए इमामेक्टिन बेंजोएट दवा बहुत ही कारगर साबित हुई है। इसलिए अगर हमने सब्जियों पर कीट नियंत्रण के लिए कीटनाशक का प्रयोग करना हो, तो इमामेक्टिन दवा का ही प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि ये दवा इंसान के लिए अधिक नुकसान नहीं करती है व इस दवा में कोई भी बदबू नहीं होती है। मगर ध्यान ये रहे कि इस दवा को सब्जियों पर डालने के 7 से 8 दिन बाद ही सब्जियों को खाने के लिए प्रयोग करना चाहिए। और इस दवा की मात्रा है 100 ग्राम प्रति एकड़, या फिर 100 ग्राम दवा को 150 लीटर पानी के लिए ही प्रयोग करें। और किसान भाइयों, जैसे कि हमारे पशुओं के लिए चारे की फसलों में अगर लार्वा या सुंडी का प्रकोप होता है, तो इमामेक्टिन बेंजोएट दवा का बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देखने को मिला है, क्योंकि इमामेक्टिन बेंजोएट दवा डालने से 7 से 8 दिन बाद पशुओं को चारा खिलाने पर भी कोई दुष्परिणाम नहीं मिला है। तथा जो फसल जल्दी खाने योग्य ये साग वाली फसल हो, उसमें इमामेक्टिन बेंजोएट दवा के अलावा और कोई भी दूसरी दवा नहीं डालनी चाहिए, जैसे कि क्लोरोप्लस साइपर या परफेनोप्लस साइपर या ट्राइजोफॉस या काटा हाइड्रोक्लोराइड या मोनोक्रोटोफॉस या और भी कई जहरीली दवाएं आती हैं, जो खाने वाली सब्जियां या फसलों में बहुत दिनों तक अपना असर बनाए रखती हैं, जो कि इंसान या पशुओं के लिए बहुत ही नुकसानदायक हैं। मगर मोनोक्रोटोफॉस का प्रयोग कभी भी चारे या सब्जी वाली फसलों पर नहीं करना चाहिए। और मोनोक्रोटोफॉस 36% SL के लिए हमने अलग से एक डिटेल वीडियो बनाया है, आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके जरूर देखें। और उससे पहले जो किसान वीर हमारे चैनल पर पहली बार आएँ, तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बनी घंटी भी दबा दें, ताकि हमारी कोई वीडियो आप मिस ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं, बात करेंगे कि इमामेक्टिन बेंजोएट आखिर काम कैसे करती है। तो किसान भाइयों, इमामेक्टिन बेंजोएट 5% SG फॉर्मुलेशन में आती है। SG का मतलब सोल्यूबल ग्रेनुअल, जो कि पानी में आसानी से घुलने वाला ग्रेनुअल, और ये एक नॉन सिस्टमिक विद कॉन्टैक्ट एक्शन वाली इंसेक्टिसाइड है। मतलब इसकी नॉन सिस्टमिक एक्टिविटी के कारण इसके संपर्क में आने पर लार्वा व कीट 2 घंटे के भीतर भोजन करना बंद कर देते हैं, और इसके सेवन करने से लकवाग्रस्त हो जाते हैं और बाद में 2 से 4 दिन बाद मर जाते हैं। और इस दवा में ट्रांसलैमिनर प्रॉपर्टी होने के कारण ये पत्तियों के टिश्यूज में बहुत तेजी से प्रवेश करती है, तथा पत्तियों की सतह के नीचे छिपे कीटों को मारने की क्षमता रखती है। और इमामेक्टिन बेंजोएट कीटनाशक को आप कपास, भिंडी, सूरजमुखी, बाजरा, सोयाबीन, मक्का, धान, आलू आदि फसलों में बॉल वॉर्म, फ्रूट एंड शॉर्ट बॉरर, पॉड बॉरर, शॉर्ट फ्लाई, वाइट फ्लाई, थ्रिप्स, माइट्स व अन्य काटने, चबाने और चूसने वाले कीटों को कंट्रोल करने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। और अंत में बात करते हैं इसकी कीमत के बारे में, तो इसके 100 ग्राम पैक की कीमत है 300 से 350 रुपये। तो किसान भाइयों, यही सब कुछ था इमामेक्टिन बेंजोएट कीटनाशक के बारे में। धन्यवाद।